केंद्रीय अध्यादेश मंडी एक्ट अधिनियम लागू होने का मंडी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश भर का मंडी कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। लिहाजा इसी क्रम में खरगोन जिले का मंडी कर्मचारी संघ भी जमकर नारेबाजी करते हुए मंडी एक्ट के विरोध में हड़ताल पर उतरा है और अनुसहभागिता निभाते हुए इस दौरान मंडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने एक्ट लागू होने की बात पर किसानों के आर्थिक नुकसान के साथ मंडी की आय प्रभावित होने की बात भी कही। इस बात का खुलासा भी किया है कि उन्हें 3 माह से वेतन तक नहीं मिला है। बहरहाल मंडी एक्ट अधिनियम लागू होने से मंडी कर्मचारियों में रोष का माहौल व्याप्त है। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारे क्या है कि वर्तमान में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अध्यादेश और मॉडल एक्ट लाए हैं, इसके कारण मंडी की आय काफ़ी प्रभावित हुई है। इस वजह से मंडी की अधिकारी कर्मचारी को वेतन भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के जो गठन हुआ है, उसमें 25 दिनांक आज दिनांक से प्रदेश मंडियाँ बंद करेंगे ताकि हमारे वेतन भत्ते सुरक्षित रहे। उसी का समर्थन करते हुए खरगोन मंडी के अधिकारी कर्मचारी भी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठे हैं ताकि हमारे को वेतन भत्ते मिल पाए। सर मांगे पूरी नहीं होती है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि आगे जो भी सही समझना होगा उसे लेना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।